5:42 AM as you can see. थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा क्योंकि यहाँ लेपर्ड अटैक कभी भी हो सकता है. आप Look at the size of the other chair. Frog, it works. Yes. In this video, we are going to find snake in a haunted place. As you can see there, I think you can't see, but this is a haunted place. People believe it's a haunted place, but I am not Gar Tiwari. ठीक, तो मैं वो सब नहीं करूँगा. मैं स्पिरिट कॉल वगैरह नहीं करूँगा. जो मेरा काम है मैं वो करूँगा. ठीक, जैसे सागर तिवारी सर, सैल्यूट आपको, आप जो करते हैं उसके लिए. पर मैं तो यहाँ पे स्नेक्स ढूंढने आया हूँ. तो आज हम लोग स्नेक्स ढूंढेंगे. रात को कुछ स्नेक्स एक्टिव हो जाते हैं. इनफैक्ट रात ऐसा समय होता है ना जब जंगल एक्टिव हो जाता है. और रात के टाइम पे जैसा आप ये पेवमेंट ये देख रहे हैं रोड, और बाय द वे दिस इज माय क्रॉक्स इफ यू डोंट नो. अगर आपको सारे एडवेंचर्स में मेरा ये क्रॉक जरूर दिखाई देगा. तो जैसे ये आप रोड देख रहे हैं, तो रात के समय में रेप्टाइल्स इस रोड पे आते हैं क्योंकि रोड में थोड़ी सी गर्मी होती है. तो इस टाइम रेप्टाइल्स रोड के पास आते हैं या फिर रोड क्रॉस करते हुए आपको दिख सकते हैं, लाइक स्नेक्स, सम लिजर्ड्स एंड ऑल एंड ऑल. तो ये आपको दिख सकते हैं, तो उसी का फायदा हम लोग उठाने वाले हैं. आप, हम लोग चलेंगे, ढूंढेंगे, जो मिलता है वो आपको दिखाएंगे. एंड कुछ पैरानॉर्मल हुआ तो वो भी कैच हो जाएगा. उसमें क्या है, आप लोग कमेंट डाउन करके बता दीजिएगा कि कुछ पैसा है कि नहीं है. बट उससे पहले इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ. एक सेकेंड, टाइम कितना हुआ है, वो भी गूगल टाइम से. सच तिवारी अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करो. ओके, एक सेकेंड, ये रहा गूगल. चल जा रहा है, ये देखिए. अगर आपको विश्वास, 5G नहीं है फिर मेरे फोन में. 1:42 AM एज यू कैन सी. नहीं विश्वास होता, फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ. 1:42 AM. ओके, सो जी रहा हूँ, कीजिएगा एंड ऑल्सो आई एम विदाउट एनी टूल्स, यू कैन सी मी. सो बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस है स्नेक्स को हैंडल करने का, इसी वजह से आई विल डू दिस. अगर कोई वेनमस स्नेक दिखाई देता है तो देखते हैं, अगर खुद को कंट्रोल कर पाए तो नहीं टच करेंगे, लेकिन अगर दिख गया तो क्या कर सकता है. फिर छोड़िए, वेनमस स्नेक अगर नहीं दिखाई दिया तो ठीक है, अगर नॉन वेनमस स्नेक दिखाई दिया तो उसे पिक करके शो करने की कोशिश करेंगे. एंड बट उससे पहले यार किस्मत होना चाहिए यार. किस्मत में तो स्नेक्स पता नहीं जल्दी आते ही नहीं, फिर भी देखते हैं. बट एज यू कैन सी दिस सिनेरियो इज सो क्रीपी राइट नाउ. बट फिर भी डर के आगे जीत है. हम लोग यहाँ स्नेक्स ढूंढने आए हैं, हम लोग ढूंढ के रहेंगे क्या. यस, सो चलते हैं आगे. तो ये जो इलाका है वो यहाँ पे लेपर्ड्स थोड़े एक्टिव रहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा क्योंकि यहाँ लेपर्ड अटैक कभी भी हो सकता है. आप अगर नहीं जानते तो नॉर्थ इंडिया या इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे जगहों पे लेपर्ड अटैक बहुत कॉमन चीज़ है. तो ऐसे ही रातों में जब गांव वाले घूमते रहते हैं तो लेपर्ड अटैक कर देता है. कैमरामैन थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मैं जब कैमरा को देख रहा हूँ तो मेरे सामने सिर्फ लाइट दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उसके पीछे अगल बगल. और यहाँ पे बहुत सारा शोर हो रहा है जो थोड़ा सा क्रीपी है. और वो शोर पता है किस चीज़ का है, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट वो शोर है फ्रॉग्स के जंप करने का. सो यहाँ हर जगह पानी भरा हुआ है अगल बगल में. सो ऐसा हो रहा है ना कि फ्रॉग्स जंप कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो पट पट कैसे कैसे आवाज़ आ रहा है, अजीब सा बिल्कुल. जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे, यहाँ यहाँ जो जैसा आप देख सकते हैं. एक सेकंड, मैं टॉर्च ऑन कर लेता हूँ. सो कम हियर. जैसा आप देख सकते हैं ये एक बांस का पुल बनाया हुआ है यहाँ पे, इस साइड से उस साइड जाने के लिए. बट लेट्स सी यहाँ पानी में कुछ मिलता है कि नहीं, कि क्या चिकन कील बैक हो सकते हैं या फिर कुछ दूसरे चीज
वेट अ मिनट, मुझे कुछ दिख रहा है लेकिन मेरा आँख बिल्कुल ब्लाइंड हो चुका है टॉर्च को देख देख के। हाँ, चिकेट किल बैग और दूसरे तरह के स्नैक्स हो सकते हैं, आई डोंट नो, लेट्स सी। रॉयल चिकेट किल बैग पता है आप लोग बोर हो चुके हैं चिकेट किल बैग देख देख के, मैं चाहता हूँ नए नए स्नैक्स दिखाऊँ लेकिन खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। चलो, आई होप पीछे से आवाज कैप्चर हो रहा है बुलफ्रॉग से कूदने का। यहाँ बुलफ्रॉग्स के भी इसीलिए आई ऑलवेज वियर अ मास्क वाइल हर्पिंग, यू नो हर्पिंग में सबसे बड़ा दिक्कत आता है ये, मुंह में मच्छर चल जाते हैं यार। खैर अभी आगे चलते हैं, लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड। किनारों की तरफ ध्यान देंगे, किनारों पे कुछ मिल सकता है। वेट, एज यू कैन सी दिस इज अ इंडियन बुल फ्रॉग। पास हो पास, वन इटर्निटी लेटर। सो दिस इज अ बिजी रोड, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। खैर फिलहाल रिकॉर्डिंग ऑन है ना यार। हाँ तो खैर फिलहाल यहाँ रात को आई डोंट थिंक सो कोई आएगा, क्योंकि यार रात को अगेन अब देख लीजिए 149 मैं सिस्टम अपडेट मांग रहा है लेकिन मेरे पास नेट ख़त्म है अभी फिलहाल, पासवर्ड नहीं बताएंगे आपको। और मेरा वॉलपेपर देख लीजिए, क्रोकोडाइल, दिस इज अमेरिकन क्रोकोडाइल, पता नहीं इंस्टाग्राम पर पिक्चर मिला हो तो। खैर चलिए छोड़िए सब बकवास, नहीं बैक टू द टॉपिक। सो वे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर भी एक वाटर का स्पॉट है, ऑन माय टॉर्च, यार टॉर्च लाना भूल गए थे, दैट्स सो सैड, बट हम लोग टॉर्च लाना भूल गए और अब ये दिक्कत हो रही है। खैर कोई बात नहीं, वेट, एक सेकंड मुझे कैमरा दो। लुक एट द साइज ऑफ दैट बुल फ्रॉग मैन, ह्यूज, वाओ, huge huge bullfrog, wow, and you know what, you can see them easily in India. Well, Indian bullfrogs are invasive in Andaman Islands, told you if you don't know. So if you don't know, Indian bullfrogs are invasive in Andaman Islands. So I think because of the trade and all, कुछ ट्रेड वगैरह के चक्कर में ये लोग चल गए होंगे। या फिर पहले क्या होता था कि फ्रॉग्स को स्मगल किया जाता था बाहर के कंट्रीज में फॉर फूड, फॉर स्किन, आई डोंट नो, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पसेस। और इनफैक्ट फ्रॉग्स के अंदर ड्रग्स डाल के भी उसको भेजा जाता था, सो इनह्यूमन एंड ग्रोस, बट ऐसा होता था। सो बुल फ्रॉग वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है अंडमान आइलैंड में, क्योंकि यू इफ यू डोंट नो देन वो लिजर्ड्स, स्नेक सब खा जाते हैं, बहुत बहुत बड़े, आई डोंट नो, बहुत बहुत बड़े दिक्कत हो रखे हैं। सो यहाँ पे नहीं है, मेनलैंड इंडिया में नहीं है वो इन्वेसिव स्पीसीज, एंड वो आपको आराम से मिल सकते हैं। स्टिल दे आर प्रोटेक्टेड स्पीसीज, क्योंकि जब उनका वो स्मगलिंग पोचिंग चल रहा है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उन्हें प्रोटेक्टिव स्पीसीज में डाल दिया जाए ताकि उनका स्मगलिंग पोचिंग पर रोक लग सके। आई डोंट सपोर्ट इलीगल पोचिंग एंड स्किन ट्रेड, मीट ट्रेड, एनीथिंग लाइक दैट, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वी आर जस्ट वॉकिंग एंड सडनली आई डोंट नो हाउ अ ट्री फेल ऑफ, मे बी अ ब्रांच और समथिंग, बट वो बहुत बड़ा पीस था एक ट्री का और वो अचानक से गिरा पानी में, बिल्कुल फटके हम लोग की हालत खराब हो गई। आई एम स्टिल सीवरिंग, इफ यू कैन सी, मेरे हाथ कांप रहे हैं। नो प्रॉब्लम, हम लोग यहाँ स्नैक्स ढूंढने आए हैं, रेप्टाइल्स ढूंढने आए हैं, सो हम लोग को इन सब चीजों से नहीं डरना चाहिए, अंडरस्टैंड, बी ब्रेव माय सन, लेट्स गो। सो वी वर, यू नो व्हाट, वी वर फोटोग्राफिंग सम फायरफ्लाइज, यहाँ बहुत अच्छा एक सीन बना हुआ है जस्ट पीछे वहाँ पे, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा कैमरा में, बट एक ट्री है बड़ा सा, उस पर पूरे फायरफ्लाइज भरे हुए हैं।
सो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. होप कैमरा में अगर कैप्चर हुआ होगा. इस कैमरा में कुछ खास कैप्चर हुआ नहीं है. वी डोंट हैव एनी डिजिटल कैमरा, कैनन निकॉन फिलानाडियम का ना, लेकिन हमारे पास स्मार्टफोन है जिससे हम लोग शूट करते हैं. लो बजट आदमी क्या कर सकते हैं. A few inches later. Wait, यहाँ कुछ है. Wait. I'm gonna show you something. So, जैसा मैंने पहले बताया था कि यहाँ गाड़ियाँ चलती है, ये बिजी रोड है. तुम बैठ जाओ. अब लो, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ गाड़ियाँ चलती है, ये एक बिजी रोड है. तो देखा आपने उसका एक नतीजा, रोड किल्ड बुल फ्रॉग. ओके, आई डोंट वांट टू शो इट टू मच. वीडियो पे कुछ अंडरस्टैंडिंग स्ट्राइक लग जाएगा. सो अगर यहाँ पे कोई लकड़ी वगैरह हो तो उससे साइड कर देते हैं इसको किसी जगह पे. ओके, सो वो वापस अपनी जगह चल गया. नाउ इट्स इन नेचर्स हैंड. हाँ, कुछ भी हो सकता है. ओके, लेट्स मूव ऑन. एक बहुत बुरा लगता है कि इंसानों की वजह से उस फ्रॉग, बहुत लोग को लगेगा कि फ्रॉग इज व्हाट. नो, कोई बुरा. इसे पलट कर देखते हैं. दिस इज ए स्पेक्टिकल्ड कोबरा, वन ऑफ द बिग फोर स्नेक्स इन बिग फोर वेनमस स्नेक्स इन इंडिया. एंड मेरे सामने ये मरा हुआ है. आई डोंट नो इट्स रोड किल्ड और समवन इंटेंशनली किल्ड इट, बट जो भी है बहुत बुरा है. Can you see, इसके सर पे चोट लगा. That's bad. See, baby spectacle cobra, very beautiful specimen, but dead. Oh, sucks. When I see stuff like that. You know, problem क्या है? See. क्योंकि लाइक दिस रोड्स, रोड किल्स आजकल इज यू नो व्हाट, अ न्यूली जेनरेटिंग, अ न्यू इवॉल्विंग एनिमी ऑफ वाइल्ड लाइफ. बिकॉज ऐसे ही सिनेरियो में एनिमल्स की डेथ होती है. लाइक दिस कोबरा, दिस स्पेक्टिकल कोबरा, व्हाट हैपेंस इज दैट एनिमल्स रोड क्रॉस करते रहते हैं एंड कोई गाड़ी आती है तेज में और जस्ट ब्लो इट अवे. कुछ लोग तो इंटेंशनली ये करते हैं. आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ लोग ये इंटेंशनली करते हैं. कुछ लोग इंटेंशनली मारते हैं मजे के लिए, बट कुछ लोग कोई गलती से हो जाती है. बट इट्स माई रिक्वेस्ट, अगर आप ऐसे रोड पे चल रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, बाइक कार एनीथिंग लाइक दैट, अगर आप किसी एनिमल को देखें तो प्लीज स्लो कर दें, उसे पास होने दें एंड देन मूव ऑन. बिकॉज आपकी उस मस्ती के कारण या फिर आपकी उस गलती जो कह लें उसके कारण किसी की लाइफ चल जाएगी. आई थिंक रोड किल्स को प्रिवेंट करने का कुछ तरीका हो सकता है. लाइक इफ यू, कुछ नहीं, नीचे लो लैंड है, उधर लो लैंड है, बीच में ये रोड है, इसके बीच से एक सबवे टाइप का बन जाए. सो उससे क्या होगा कि अदर एनिमल्स, रेप्टाइल्स, एनीथिंग लाइक दैट, सो वो लोग रोड पर से ना जाके वो लोग सबवे से जाएंगे एंड देट विल प्रोवेंट अ लॉट ऑफ रोड किल्स. ऑल्सो ऐसे खुले रोड्स पे स्पीड ब्रेकर रहने चाहिए. स्पीड ब्रेकर इज वेरी वेरी क्रूशियल. आई थिंक इसको वापस उधर छोड़ देना चाहिए ताकि
खाएंगे और एनिमल्स दूसरे खा के इसे खत्म कर जाएंगे. सो दैट्स व्हाई time to go home. Let's come. Big size invasive giant African snail. This is an invasive species. Very, very dangerous for our crops. No problem, we'll do something off camera. So now we need to go, I think, because the time is... I'll show you the time. See the time? 2:26. This is not a... As you can see the time, 2:26. And it's not a good time to roam around in such a creepy area, you know. If you know about the haunted things, the paranormal things, then you can easily relate my words. So, ऐसे टाइम पे नहीं घूमना चाहिए. So, हम लोग ऐसे चलते हैं, I think. So, bye bye.